हेलो फ्रेंड्स, मैं शबनम वेलकम करती हूं आप सबका मेरे चैनल फूड्स बेनिफिट्स पर, जहां मैं हर तरह के फूड से जुड़े उसके फायदे, नुकसान, उसके सेवन के तरीके, आपको किन चीज़ों में ये आप ऐड ऑन कर सकते हैं एंड किस तरीके से ले सकते हैं, किन लोगों को लेनी चाहिए, किन लोगों को लेने से मुश्किलात हो सकती है, हर चीज़ की जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो मैं अपने इस चैनल पर देती हूं। एंड इसके अलावा भी मैंने अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए फ्रेंड्स, सो डैट आगे आने वाली जो सारी वीडियोस हो, टॉपिक्स हो, वो डायरेक्ट जो है आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए फ्रेंड्स, बीच में कट ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो मैं लाई हूँ फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड, कि फूड पॉइजनिंग के रीजंस क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं इनके, और इसके पॉसिबल घरेलू इलाज क्या हो सकते हैं। ओके, वैसे तो फूड पॉइजनिंग में डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है, ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, पर इसके अलावा भी आप अलग से क्या पॉसिबल घरेलू इलाज कर सकते हैं इसके साथ ही इसमें रिलीफ पाने के लिए, वो भी मैं बताऊंगी। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। फ्रेंड्स, तो पहले आते हैं इस टॉपिक पर कि फूड पॉइजनिंग के रीजंस क्या होते हैं। सो गाइज, स्ट्रीट फूड खाने का अपना ही मजा है, राइट? गली नुक्कड़ पर मिलने वाली जो चाट पकौड़े होते हैं उसका टेस्ट ही अलग होता है। स्ट्रीट फूड्स की जो टेस्ट होती है वो बड़े रेस्टोरेंट्स के खाने में भी नहीं मिलती। सो इसी टेस्ट के चलते क्या होता है कि सेहत को इग्नोर कर दिया जाता है बहुत बार, कई बार इसी वजह से फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। तो इसकी जो आम वजह है वो कुछ बैक्टीरियाज है फ्रेंड्स, एंड इसी वजह से जो है होती है फूड पॉइजनिंग, जो कि नॉनवेज फूड में होते हैं, अधपके नॉनवेज फूड में होते हैं, सही तरह से जो पकी हुई नॉनवेज फूड नहीं होती है उसमें होते हैं, सलाद में पाया जाता है एक्सेट्रा। कुछ वायरस भी होती है फूड पॉइजनिंग की रीजन में, जैसे नोरो वायरस है, इसकी वजह से लाखों की तादाद में फूड पॉइजनिंग के केसेस सामने आते हैं हर साल। एंड इसके अलावा सेपो वायरस है, रोटा वायरस है, एस्ट्रो वायरस है, और हेपेटाइटिस ए वायरस भी है जो खाने को पॉइजनस बनाता है। कुछ परजीवी भी हैं जो फूड पॉइजनिंग का कारण होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्लियर हो गई कि फूड पॉइजनिंग के क्या क्या कारण होते हैं। एंड अब आते हैं कि इसके सिम्टम्स पर, जो कि है जी मिचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द और ऐठन का होना, दस्त होना, बुखार आ जाना एंड फिर सर दर्द होना। ठीक है, ये जो है ये सिम्टम्स हैं फूड पॉइजनिंग के। अगर ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो ये आप हो सकती है कि आपको फूड पॉइजनिंग हुई हो, आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, और जो मैं बताने वाली हूँ घरेलू इलाज जो है उसके साथ भी आप ये कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जिनको फूड पॉइजनिंग हो जाए वो एप्पल सीडर विनीगर यानी सेब का सिरका ले सकते हैं, ये बहुत से मामलों में फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड्स। एंड आप एक ग्लास गुनगुने पानी में 1 से 2 चम्मच सेब का सिरका मिक्स करके पी सकते हैं, इसे आप दिन में 2-3 बार पी सकते हैं, बिकॉज ये एंटीबैक्टीरियल होता है गाइज, जो बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करता है, एंड इसमें कई मिनरल्स एंड एंजाइम होते हैं जो फूड पॉइजनिंग के बाद हेल्थ को रिकवर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा गाइज, आप दिन में 2-3 बार नींबू पानी पी सकते हैं, एक ग्लास पानी में आधा नींबू निचोड़ लें, ज़रूरत पड़े तो उसमें टेस्ट के लिए आप शहद मिला सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा आप तुलसी का रस भी शहद के साथ मिक्स करके दिन भर में 3 से 4 बार पी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंटीमाइक्रोबियल होता है जो पॉइजनिंग को दूर करता है। इसके अलावा लहसुन को भी शहद के साथ दिन भर में 1 बार खा सकते हैं, ठीक है, कच्ची लहसुन की जो कली होती है वो एक कली या एक ही कली लीजिएगा, उसको शहद के साथ मिक्स करके दिन भर में बस 1 बार आप खा सकते हैं, क्योंकि ये भी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल एंड एंटीफंगल होती है। इसके अलावा केला और दही आप ले सकते हैं दिन में 2 बार, आंवले का जूस पानी में मिक्स करके ले सकते हैं फ्रेंड्स। एंड जिनको फूड पॉइजनिंग हुई है वो भरपूर पानी पिए, क्योंकि फूड पॉइजनिंग में उल्टी और दस्त के चलते बॉडी में जो पानी होती है उसकी कमी हो जाती है फ्रेंड्स। फूड पॉइजनिंग में लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लें, तरल जो चीज़ें होती हैं, तरल जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने की चीज़ें होती है उसको लें। एंड हल्का खाना खाएं, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना ना, बहुत हेवी खाना ना खाएं, ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो। मसालेदार खाना ना खाएं, बहुत ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि ऑलरेडी जो है फूड पॉइजनिंग में दस्त लगी रहती है, ठीक है, तो दस्त जब होती है, बहुत बार जब दस्त हो जाती है तो फाइबर वाली चीज़ें लेने से क्या होगा कि दस्त में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, इसलिए फाइबर वाली चीज़ें स्किप करें। ड्रिंक्स और कैफीन को स्किप करें, ऑयली एंड फैट्स वाली चीज़ें ना लें, ठीक है, तेल वाली जो चीज़ें होती हैं वो ना लें, और फैट्स वाली जो चीज़ें होती है वो ना लें, और इसके साथ डॉक्टर से कंसल्ट करने में देर ना करें, क्योंकि इसके साथ ट्रीटमेंट भी जरूरी है जैसा मैंने पहले बताया फ्रेंड्स। कुछ भी खाने से पहले या खाना बनाने से पहले अच्छे से हाथों को वॉश कर लें, फल और सब्जी अच्छे से धोकर ही उसे यूज करें, नॉन वेज खानों को जो है अच्छे से पकाएं, रात का बचा हुआ खाना जितना हो सके परहेज करें, ठीक है, एंड अपने आसपास और किचन को अच्छे से साफ रखें। और ये जो चीजें हैं वो कोरोना वायरस से भी बचाव के काम में आएगी,
ठीक है, क्योंकि इससे बचाव का एक ही मात्र रास्ता है, खुद को और खुद के चारों तरफ खुद के एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना। ओके गाइज, सो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है फ्रेंड्स। ये टॉपिक कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं, आई होप अच्छी ही लगी होगी। सो कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसी लगी है। एंड फ्रेंड्स, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। एक लाइक एंड शेयर से कुछ होता नहीं है, ठीक है, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगी, मैं इसी तरह से वीडियोस जो है लाती रहूँगी डेली। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बाय, थैंक यू।